गाइस यार नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि हमें घाघरा नदी दिखाइए, घाघरा नदी घुमाइए। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग घाघरा नदी को देखने जाने वाले हैं। और अभी तो मैं केवल सो के उठा हूँ, तो अभी नहा धो के हम लोग चलेंगे घाघरा नदी को। तो वीडियो में बने। नदी पर, और आप लोग देख सकते हैं कि ये घाघरा नदी जो है कितनी खतरनाक नदी है, ये गांव को काटते हुए जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि साइड साइड ये कितना ज़्यादा नदी काट रही है, और बहुत बड़ी नदी है बहुत। तो गाइस ये जो नदी है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ के कुछ लोग अभी मुझे मिले थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर एक घर है जो नदी में ही पूरा ढह गया है, उसी में पूरा घर गिर गया है, पक्का घर है। गाइस उधर आप देख रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने मुझे भी बताया था। तो गाइस यहाँ पर भी खतरा कहीं कम नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन भी कट जाएगी तो उधर जो गांव हैं वो तबाह हो जाएंगे। तो गाइस चलिए पहले हम इनकी बताई हुई लोकेशन पर चलते हैं। और भी इन्होंने बताया है कि ये एक घर है जो नदी से लगभग 25 या 30 मीटर की दूरी पर ही होगा। तो गाइस उस घर का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो गाइस ये जो नदी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नदी है। बंधा बनाया गया है, पर बंधा के अंदर जितने गांव आते हैं वो पूरे तबाह हो जाते हैं। जब वो गाँव ये पूरी नदी भर जाती है तो इसमें से जो गाँव हैं पूरे बह जाते हैं। जो पक्के घर हैं वो तो बने रहते हैं, पर जो छप्पर वाले होते हैं पूरे बह जाते हैं। तो जो लोग होते हैं वो उसी बंधा पर जाकर अपना जो तिरपाल वगैरह है वो तान कर निवास करते हैं। तो नदी ये गाइस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे काट रही है। तो गाइस चलिए हम लोग उस लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर अभी वो घर 25-30 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। चलिए चलते हैं। तो गाइस जिस हिसाब से ये नदी यहाँ पर काट रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जो 25-30 मीटर की दूरी पर घर बना है वो वहाँ पर कुछ दिन तक भी रुक पाएगा। मुझे तो लगता है कि 5-6 दिन में ही वो पूरा का पूरा घर इसी नदी में समा जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नदी है कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कितनी ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि ये अभी देखिए ये कैसे कट रहा है गाइस, ये देखिए यहाँ से धार फूटी हुई है, तो मुझे तो लगता है ये अभी गिर जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लोग गाइस यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए कितने लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। और वो जो उधर साइड में वो लड़का दिख रहा है गाइस, मुझे लगता है ये बंदा इतना ज़्यादा दिलेर बन रहा है ना, अगर चूक गया तो इसी नदी में चला जाए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उसी लोकेशन पर जहां पर 25-30 मीटर पर वो घर बना हुआ है। ये वो घर है, और इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर मक्का बोया हुआ है, और इस मक्के के साइड में जो तार लगा है जानवरों से बचाने के लिए, उसमें का जो तार है वो आधा तार इसी नदी में जा चुका, क्योंकि तो गाइस ये जो चाचा आप लोगों को वीडियो में दिख रहे हैं वो हमें ये बताने आए थे कि बेटा वीडियो सही से बनाना, क्योंकि इसका जो साइड है वो साइड नदी बहुत तेज़ी से काट रही है, तो चूक मत जाना, इसलिए बताने आए थे कि सही से रहना। गाइस उधर आप देख सकते हैं कि भाई साहब तार खोल रहे हैं, और अभी इसी के बाजू में जो है नदी ने थोड़ी मिट्टी को काट लिया था, अभी मेरे सामने गिरी थी, मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखा, आप लोग देख सकते हैं कि नदी जो है कितनी ज़्यादा खतरनाक है। गाइस उधर एक नाव भी है, तो ये नाव कैसे तो गाइस ये रही वो नाव जिसके द्वारा यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको नदी के उस पार जाना होता है वो इसी में बैठकर उस पार जाता है, और इस पार से उस पार जाने के लिए एक व्यक्ति का 20 रुपया लेते हैं। मतलब आप अगर अकेले हैं तो आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। और आप तो गाइस मुझे तो जाना नहीं है नदी के उस पार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये नदी इतनी तेज़ बह रही है तो इसकी सिचुएशन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस ये नदी है, और नदी से केवल इतनी दूर पर के घर बना हुआ है, इतनी दूर पर। तो गाइस यार चलते हैं अब अपने घर को, और मैं तो इन लोगों के लिए दुआ करूंगा, ये जो घर बना हुआ है इन घर वालों के लिए दुआ करूंगा कि भगवान इनके घर को सही सलामत रखें, सुरक्षित रखें।
तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम लोग घर को और मिलेंगे अगले वीडियो में उस लोकेशन पर जहाँ पर वो घर गिर गया है। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं घर को, वो हमारी बाइक खड़ी हुई है। तो चलिए गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।